जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली अपने 2.5 चल रही है, उसका चौथा क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित को निम्नलिखित को केजी का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित नीचे लिखे गए को किलोग्राम में व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट है इसमें 200 ग्राम, 200 और जीएम का मतलब होता है ग्राम, जीएम का मतलब होता है ग्राम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किलो, मैंने कल भी बताया था कि जहां किलो आ जाए वहां मतलब होता है हजार, कितना होता है हजार, एक किलो, किलो का मतलब होता है हजार। ये कह रहा है एक किलोग्राम, एक किलोग्राम, क्योंकि ये तो है ग्राम, ग्राम छोटा है, किलोग्राम में बदलना है, किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, इसको इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। तो सीधी बात, किलो का मतलब होता है हजार, एक किलोग्राम में ये हो गया 1000 ग्राम, क्या हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। अब दूसरी बात, अपन क्या करते हैं, मैंने कल बताया था कि अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, किलोग्राम से ग्राम बदलना है, वो तो करना है ये कितने है हजार, आगे कितने है उतने से गुना करना है, हजार से गुना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो हजार से गुना करना है, किसको, किलोग्राम को हजार से गुना कर दो तो ग्राम में बदल जाएगा। फिर अगर ग्राम से किलोग्राम बनाना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो वही हजार का क्या देना है भाग, क्या देना है भाग, यहां देना है हजार का भाग, यहां करना है हजार से गुणा, किलोग्राम को ग्राम बदलना है, सीधे देखो इसको इसे बदलना है हजार से गुणा हजार, इसको ऑपरेशन बदलना है तो हजार का भाग हजार, समझ आगे बात, अरे आगे नहीं आगे, वापस कर दो इसको, चलो बड़ा समझ जाओ, जैसे एक किलोग्राम है इसमें 1000 ग्राम होते, किलो का मतलब ही 1000 होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब किलोग्राम को ग्राम बदलना है तो ये कितने आ गए हजार, हजार से गुणा कर दो, किलोग्राम को हजार से गुणा कर दो ग्राम बन जाएगा, ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो हजार, हजार का क्या देना है भाग, इसको इसमें बदलना है, इस तरफ जा रहे हो इसको इसमें, तो इसको इस तरफ यानी इसको इसमें बदलना है तो भाग देना है हजार, ठीक है, समझ आ गया। तो चलो शुरू करते हैं, चलिए ये 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम को कीजी मतलब किलोग्राम में बदलने पर, और दूसरी बात साइड में ये भी लिख देना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये ऐसे काम करना है। तो 2000 ग्राम है, ठीक है। अब हम ग्राम को केजी यानी किलोग्राम बदल रहे हैं, तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए क्या करते हैं हजार का भाग, हजार क्या देखते हैं भाग, इसमें क्या देखेंगे 1000 का भाग, ठीक है, समझ आ गई बात। अब हजार में कितने जीरो हैं, 1 2 3, ऊपर कितनी संख्या होनी चाहिए 3, या 3 से ज्यादा हो सकती है लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए, तो नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 1 2 और 3 संख्या में है तो 1 0 1 0 सॉरी 1 2 और 3 3 जीरो है तो 1 2 और 3 से एक बार क्या लगा दो पॉइंट, तो 1 2 और 3 से बाद यहां पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.200 kg, ये हमने ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, ठीक है। ये नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद क्या लगा दो पॉइंट या दशमलव, दशमलव लगा दिया, ये बढ़ गया 0.200, इसका ऐसी बात देने पर 0.200 आएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार हम ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए ग्राम में हजार का भाग देते हैं, हजार में 3 जीरो है, 3 जीरो के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट, ये पॉइंट लगाए आगे, ये हो गया 0.200 किलोग्राम, ओके, ऐसे हम ग्राम को किलोग्राम बदलते हैं। दूसरा 3470 ग्राम, 3470
470 ग्राम, जीएम मतलब ग्राम। फॉर्मूला याद रखना, किलोग्राम को ग्राम बनाना है, हजार से गुणा, ग्राम से किलोग्राम बनाना है तो हजार का भाग। अभी क्या है ग्राम, इसमें से बदलना है किलोग्राम में, 3470 को केजी में यानी किलोग्राम में बदलने पर क्या होगा, वही 3470 ग्राम है, इस किलोग्राम बदलना है तो हजार कर देंगे 12, हजार में कितने जीरो है, 1, 2 और 3 जीरो, तो 1, 2 और 3 संख्या बाद क्या लगेगा जो पॉइंट, तो देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, तो 3 फिर पॉइंट 470 केजी, ये बन गया किलोग्राम। इस प्रकार हम ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं। समझ आ गई बात, थर्ड तीसरा है, तीसरा देखें आप लोग, 4 किलो 8 ग्राम, 4 kg 8 g यानी gm ग्राम। अब देखो सीधी बात है कि इसको किलोग्राम में बदलना, किलोग्राम बदलना है। अब देखो 4 तो पहले से किलोग्राम में है कि नहीं है, 4 kg यानी 4 तो पहले से किलोग्राम में है, और 4 किलो के साथ क्या है, ये इसके साथ है, इसके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, 8 इसमें जुड़ेगा। अब इस 8 ग्राम को, इस 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 8 किसका भाग देंगे, हजार का भाग, क्योंकि ग्राम को, ग्राम जीएम ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए हजार का भाग देते हैं। तो 4 के 4 अब किसी लगाओ मत, बाद में लगा देना वापस। अब 8 ये ग्राम है, तो सिर्फ इस 8 को ही बदलना है किलोग्राम में, तो इसमें 1000 का 8 में 1000 का भाग लगेगा। 4 के 4 में आपने 1000 का भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि 4 तो पहले से किलोग्राम में है, ठीक है ना, सिर्फ ये 8 ग्राम है, इस 8 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग लगेगा। देखो 4 के 4 प्लस 1000 में कितने जीरो, 1, 2 और 3 जीरो, ऊपर कितनी संख्या, 1 ही है, तो ऊपर कितनी संख्या होनी चाहिए, 3, तो 3 संख्या बनाएंगे आप क्या करेंगे, 8 के आगे जीरो लगाएंगे, लगाएंगे ना, पीछे जीरो लगाओगे तो ये 8 हो जाएगा, संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन आगे जीरो लगाने पे ये 8 ही रहेगा, आगे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमने क्यों लगाया, क्योंकि नीचे 1, 2 और 3 जीरो से ऊपर 3 संख्या होनी जरूरी है, वो 3 संख्या के बाद ही पॉइंट लगेगा, इसलिए नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया हमने पॉइंट 0.008। अब 4 और इस पॉइंट 0.008 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 4.008 केजी यानी किलोग्राम, ये बदल दिया हमने ग्राम में। समझा की बात, ओके कर लो। चलो कर लिया, अब आपने कर लिया क्या, नहीं किया कोई बात नहीं, आप लोग कर लेना आराम से, ठीक है, वीडियो को रोक के आराम से कर लें। तो 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5th क्वेश्चन बताते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, निम्नलिखित है नीचे लिखी गई, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को
जो संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखो बेटा ध्यान से लिखना, कैसे लिखना है ध्यान से करिए आप लोग। तो फर्स्ट है दशमलव संख्या दे दी आपको 20, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट माने दशमलव 0 3, ये संख्या दशमलव संख्या है। क्यों दशमलव संख्या है? क्योंकि इसके बीच में ये क्या आ गया, पॉइंट, इसको बोलते हैं हिंदी में दशमलव, ठीक है। और दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसको एक एक करके बोला जाता है, 20.03 या 20.03, ठीक है। अब इस 20.03 को विस्तारित रूप में लिखते हैं, विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे देखना अभी। विस्तारित रूप यानी इस पूरे को विस्तार से लिखना है खोलकर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मैंने आपको फैसला में शुरू की तब बताया था कि पॉइंट के इस तरह से जो इसको बोलते हैं इकाई, ये हो गई दाई, फिर पॉइंट के बाद ये होता है दशांश, ये होता है शतांश, और इसके बाद भी संख्या आ जाए मान लो वो होती है सहस्त्रांश। क्या होती है? सहस्त्रांश। तो ये क्या है दाई, ये क्या है इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है एक, दाई का मतलब कितना होता है दस, दाई का मतलब दस होता है ना, दाई पहली दाई क्या होती है दस, और पहली इकाई क्या होती है गिनती में सबसे पहले क्या होता है एक, इकाई सबसे छोटी इकाई क्या है एक, दाई मतलब दस, सबसे छोटी दाई क्या होती है दो अंकों की संख्या दस, फिर दशमलव, दशमलव के बाद यह क्या होता है, दशमलव के बाद जो पहले संख्या होती है उसको दशांश कहते हैं, इसके बट्टा में क्या आते हैं दस, दशांश को ऐसे व्यक्त करते हैं बट्टा दस यानी दशांश, फिर दशांश के बाद दूसरी संख्या होती है इसको बोलते हैं शतांश, क्योंकि इसके बट्टा में क्या होते हैं एक बट्टा सो, ठीक है, बट्टा में सो आएंगे, यहाँ पर जीरो है, जीरो के बट्टा में क्या आएंगे दस, तीन है, तीन के बट्टा में क्या आएंगे सो, ठीक है। जो संख्या होती है उसके नीचे में, अब जीरो है क्योंकि दशांश है, पॉइंट के बाद पहली संख्या दशांश होती है, जीरो के बट्टा में क्या आएंगे दस, तीन ये शतांश है, दो नंबर पे शतांश होता है, इसके बटा में क्या आएंगे सौ, तीन के बटा में आ जाएंगे सौ, फिर तीन नंबर की संख्या होगी कोई भी संख्या हो सकती है, उसके बटा में कितना आएंगे हजार, बटा में कितना आएंगे हजार, संख्या होगी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको ऐसे खोल के विस्तारित रूप में लिखना है, देखना अभी कैसे लिखता हूं मैं, दो लिखूंगा फिर दूसरा लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या है दो, सब अभी क्या है इस सब में संख्या में सबसे अभी कौन है दो, सबसे पहले दो को लो, दो कितने नंबर पे इकाई और दाई, दाई पे ना दो, दाई का मतलब कितना होता है दस, दो गुणा करना है दस, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर जोड़ना है, फिर जोड़ का निशान विस्तारित रूप में क्या होते हैं सब सभी को खोल कर लिखते हैं और आपस में जुड़ा हुआ रखते हैं क्योंकि आपस में पूरे जुड़े हुए हैं इसलिए प्लस का निशान लगा चाहिए, ठीक है। फिर दशमलव के बाद ये दाई के लिए क्या है इकाई, जीरो क्या है इकाई, किसको गुणा करना है इकाई से, इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि तो प्लस की संख्या होती है ना, इसमें भाग लगता है क्योंकि माइनस में होती है, पॉइंट के पीछे सब माइनस वाली संख्याएं होती है, ठीक है ना बेटा। चलो अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट को पॉइंट छोड़ दो कोई बात नहीं, फिर प्लस, अब कौन आ गया पॉइंट के बाद जीरो, जीरो पॉइंट के बाद पहली संख्या क्या होती है दशांश, तो जीरो के बटा में क्या आएंगे दस, फिर पॉइंट के बाद दूसरी संख्या क्या होती है तीन, तीन कहां पे है पॉइंट के बाद दशांश, ये हो गया शतांश, तो तीन के बटा में क्या आएंगे सौ, ये हो गया इसका विस्तारित रूप, ऐसे आपको विस्तारित रूप लिखना है, बीस पॉइंट तीन दो का विस्तारित रूप नहीं। देखो वापस बताओ, पॉइंट के बाद पहली संख्या जीरो, इकाई हो गया फिर ये दाई, सबसे कौन है दो, दो मानी इकाई हो गई दाई, दाई का मतलब दस, दो को दस से गुणा करो, फिर प्लस, फिर इकाई पे कौन है जीरो, जीरो को एक से गुणा करो क्योंकि इकाई पे है, जीरो बड़े इकाई, फिर प्लस, फिर पॉइंट के बाद पहली संख्या दशांश, जीरो है दशांश में कितने हैं जीरो, जीरो के बटा में क्या है दस, दशांश के बाद दूसरी संख्या क्या है तीन, तीन कितने पे है दशांश और
अंश तो उनके बेटा मानेंगे 100। ठीक है, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। दूसरा करते हैं, दो पॉइंट या 2.03 छोटा ही है। तो अब देखो पॉइंट की बात पहले संख्या क्या होती है, इकाई। सबसे आगे कौन है, इकाई। इकाई में कितने हैं, दो। दो गुणा करना है एक है इकाई से। फिर पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया। दशमलव के बाद पहली संख्या क्या होती है, दशांश। तो प्लस दशांश के कितने हैं, जीरो। तो जीरो के बटन में क्या आएंगे, दस। फिर तीन क्या है, अभी क्या है, तीन। तीन कितने नंबर में है, दशांश। और फिर क्या आता है, सत्तांश। इसके बटन में आएंगे 100। तो प्लस का निशान लगा दो। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। विस्तारित रूप ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा यहां कर लेते हैं। चलो तीसरा है 200.03। इसमें क्या करेंगे अपन, के सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दो है, दो। दो कितने बजे, इकाई ढाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो दो को करना है गुणा 100 से, क्योंकि इकाई ढाई और सैकड़ा पे है ना, सैकड़ा का मतलब 100। अरे एक दो तीन नंबर पे है ना, इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। दो गुणा करना है 100 से। फिर प्लस, फिर क्या है, जीरो। इकाई और ढाई पे क्या है, जीरो। जीरो के बटन क्या आएंगे, दस। इकाई ढाई पे ना, जीरो के बटन दस। फिर प्लस, फिर पॉइंट के बाद पहली संख्या क्या होती है, इकाई। इकाई पे कितना है, जीरो। इसके बटन, इसको गुणा करना है, सॉरी दो को गुणा किया 100 से, इकाई ढाई और सैकड़ा पे 100 से गुणा। फिर आ गया जीरो। जीरो कितने से गुणा करेंगे, इकाई और ढाई पे 10 से गुणा। फिर प्लस, तीसरा है जीरो, जीरो कितने पे, इकाई पे ना, पॉइंट के बाद पहली संख्या इकाई, इसको एक से गुणा करना है। फिर प्लस, दशमलव के बाद पहली संख्या क्या होती है, दशांश। दशांश में कितने हैं, जीरो। उसके बटा जीरो के बटा आएंगे 10। फिर प्लस, दशांश के बाद दूसरी संख्या क्या है, तीन। तीन कितने पे आ रहा है, दशांश के बाद क्या आता है, शतांश। उसके बटा आएंगे 100। ओके, फिर लास्ट चौथा, ये इसका विस्तार रूप है। चौथा है 2.034। सिंपल है, पॉइंट के बाद पहले से सबसे कौन है, दो। दो कहां पे है, पॉइंट के बाद पहले से लेके आए, इकाई होती है, दो को गुणा करो एक से। फिर प्लस, पॉइंट के बाद पहले से क्या होती है, दशांश। इधर ये दशांश है, तो जीरो के बटा में क्या आएंगे, दस। फिर प्लस, फिर तीन, तीन के बटा में 100, क्योंकि ये दशांश के बाद क्या आता है, सत्ताईस यानी 100। तो चार है, तो चार प्लस चार, एक दो तीन नंबर पे है, तो बटा में आएंगे 1000, क्योंकि ये दशांश, शतांश और होता है सहस्त्रांश यानी 1000। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। करो इसको हल कर लो जल्दी से, फटाफट से। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।